हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये ईटा लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे कोर्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है ये क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन है कि इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाई 1%, इट्स मास रिमेन द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस हुड, ठीक है। अब एक बात तो ये है ना, मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। ट्रिक से पहले मैं आपको एक कामन सी बात बता दूँ, ठीक है। उस कामन सी बात के बाद ट्रिक की तरफ चलते हैं, ट्रिक में बताता चलो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास जी की वैल्यू, जी हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होता है, जी हमारे पास बराबर होता है कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस वैल्यू ऑफ जी का जो रिलेशन है आर के साथ, वो क्या है, वो हमारे पास इनवर्स है। तो अगर इसका मतलब ये, अगर और श्रिंक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जी इंक्रीज होगा। तो इसको इलिमिनेट कर दे, इसको भी इलिमिनेट कर दे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो वो हम एक ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द ट्रिक, ट्रिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। कुछ भी आप लोगों को नहीं करना, याद रखिए पार डिक्रीज हम लोगों ने करना है क्या, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन। यहाँ पर ब्रिकेट ले ले, बड़ा ब्रिकेट, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। बस हमारा काम ख़त्म इस क्वेश्चन के पास, ये ट्रिक था, ठीक है। अब इसको 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 कैलकुलेट किस तरह करना है, तो 100 डिवाइड बाई एक्स का मतलब, माइनस का मतलब है डिक्रीज और एक्स का मतलब है कितना। तो 100 माइनस एक्स मुझे गिवन है 1 होल स्क्वायर माइनस 1 एंड होल मल्टीप्लाइड विद 100। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट हियर, जस्ट कम एंड यू विल सी हियर। यहाँ पर हमारे साथ 100 डिवाइड बाई नीचे 99 बन जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड विद 100। ओके हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आ जाए और मज़े के साथ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 100 बाई 99 हमारे पास बराबर होता है 0.01 होल स्क्वायर माइनस 1, सॉरी 1.01 माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड विद 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे साथ, इसको मैं ब्लैक कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, ठीक है, थोड़ा बड़ा। ओके, अब यहाँ पर इसको अगर मैं स्क्वायर कर लूँ 1.01 को, तो इससे हमारे पास आ जाता है 1.02, ठीक है, 1.02 माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड विद 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1.02 से अगर मैं 1 को माइनस करूँ तो 0.02 रह जाएगा। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाइड करूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2%। सो दैट्स इट, दैट इज़ द वन एंड ईजी क्वेश्चन। अगेन चलते हैं ट्रिक की तरफ, के ट्रिक को हम किस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। वाजिया तौर पर मैं लिख लूँ कि हमारे पास ट्रिक है 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस मैंने बता दिया, माइनस इज पार डिक्रीज, पार श्रिंकिंग, एक्स इज हाउ मच, ओके। अगर आपको इंक्रीज गिवन है तो आप प्लस लगा लें, या पर फिर 1 को माइनस कर लें, ठीक है, और होल को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैंने साथ ला दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में इस तरह का जो रिलेशन है ना आपके बुक में, जहाँ पर भी इस तरह का रिलेशन आ जाए, ठीक है, जहाँ पर भी इस तरह का रिलेशन आ जाए जो इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इसको मैं रेड कर लूँ, या इस तरह का रिलेशन, ठीक है, लेट्स सपोज जी का जो आर के साथ रिलेशन है 1/r² है, ठीक है। इस तरह का रिलेशन जब भी आ जाए, ठीक है, इस तरह का रिलेशन, ठीक है, इनवर्स आर स्क्वायर, इनवर्स आर स्क्वायर, बात याद रखना, इनवर्स आर स्क्वायर, व्हाट जहाँ पर जो वेरिएबल हो, जिसमें चेंजेस आते हो, यहाँ पर वो चीज़ जो हमने फाइंड करनी हो, उसके लिए आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, इस ट्रिक को यूज़ करना है, ठीक है। इसको मैंने खुद बना दिया, ठीक है, हर जगह पर ये वर्क करेगा, ठीक है, जहाँ पर भी आप इसको यूज़ करेंगे वो वर्क करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन के लिए जो ट्रिक्स है वो मैंने ऑलरेडी बता दिए है, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। आप इस 10 और माइनस एक्स को, इसको ऊपर ले जाए, इस चीज़ को ऊपर ले जाए, इसको नीचे ले जाए, इस पर भी कर सकते हो, वहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत एक्सप्लेन के साथ बता दिया, ठीक है, कि किस तरह से करना है। जहाँ पर भी इसका इस तरह का रिलेशन हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो इनवर्स रिलेशन हो और स्क्वायर हो, ठीक है, अगर इस तरह का रिलेशन हो कि इनवर्स हो, अंडर रूट हो, तो आप इस पर अंडर रूट ले लें। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, आप जहाँ पर भी यूज़ कर सकते, आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इस तरह आप कर ले तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो
दैट इज़ टुडे टॉपिक। और भी आज मैं कुछ टॉपिक करूँगा, मुझे स्टूडेंट्स ने सेंड किए थे कुछ टॉपिक, अगर आपको भी किसी टॉपिक में मसला हो तो आप नीचे मुझे वो टॉपिक कमेंट करें या वो MCQs कमेंट करें जिसका ट्रिक आपको चाहिए, ठीक है? तो उसका ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, उसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ईटा एंड स्टे मोटिवेटेड। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।